तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई बातें बताता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो है हमारे चैनल पे ट्रक लोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कमर्शियल व्हीकल्स जितने होते हैं, चाहे वो ट्रक हो, टेम्पो हो, ट्रेलर हो, टैंकर हो, इस तरह की जितनी भी गाड़ियां होती है जो कमर्शियली यूज किया जाता है, उसको ज्यादा करके लोग जो है खरीदने के लिए लोन का सहारा लेते हैं। तो आज हम आपको लोन के बारे में बताने वाले हैं, और ये वीडियो जो है ये चार अलग अलग स्टेप में बनने वाला है। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको लोन के पूरे प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या आपको 0% पे जीरो डाउन पेमेंट में आपको ट्रक मिल सकता है। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जहां पे मैं बताऊंगा आपको सेकेंड हैंड अगर आपको ट्रक खरीदना है या गाड़ी खरीदना है तो वहां पे लोन का प्रोसेस क्या है। थर्ड वीडियो में मैं बताऊंगा दो अलग अलग बैंकों के बारे में, जहां से कि आप समझ सकोगे सही तरीके से पूरे प्रीव्यू के साथ कि एक्चुअल में लोन के प्रोसेस के लिए क्या क्या करना होता है, उसमें टर्म्स कंडीशंस क्या होते हैं, किस तरह के गाड़ियों के लिए क्या लोन का तरीका होता है। तो ये सारे चीजें जो है दोस्तों इस लोन के वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आज हम बात करते हैं, जनरली अगर कोई कमर्शियल व्हीकल आपको लोन पे लेना है तो उसके लिए क्या करना होता है, किस तरह से होता है, कितना लोन मिल सकता है, क्या जीरो डाउन पेमेंट पे लोन मिल सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरली अगर किसी बंदे को ट्रक खरीदना होता है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं ट्रक के लिए कि पूरा का पूरा पेमेंट दे करके ट्रक खरीद सके। बहुत सारे ऐसे राजा लोग होते हैं जिनके पास उतना पेमेंट होता है तो दे करके ट्रक खरीद लेते हैं। बट 90% केस में, 90 क्या, मैं उससे ज्यादा की मैं बात करूं तो उतने केस में ट्रक जो है कहीं ना कहीं लोन पे लिया जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रक, ट्रेलर या टैंकर हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब कोई बंदा ट्रक खरीदता है तो उसको लोन चाहिए होता है, तो वहां पे बात आती है कि उसको किस तरह का लोन लेना है, कहाँ से लोन लेना है, कितने साल के लिए लोन लेना है, कितना उसको लोन मिल सकता है, क्या उसको लोन मिल भी सकता है या नहीं मिल सकता है, ये भी बात आती है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर आप ट्रक कोई खरीदने के लिए जाते हो तो जहां से आप ट्रक परचेज करते हो, फाइनेंस करने के लिए जो बंदे होते हैं वहां पे अवेलेबल होते हैं। अगर कहीं से आप ट्रक खरीद रहे हो तो वहां पे किसी बैंक का, चाहे वो सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, या फिर कोई फाइनेंशियल हो जो NBFC के अंदर आते हैं, ये लोगों के साथ उस कंपनी का टाई अप होता है तो वो लोग आपको लोन करवा सकते हैं। बट बात आती है कि अगर आपको लोन करवाना है तो आखिर किससे करवाना है, किसका किस तरह का इंटरेस्ट रेट है, कौन किसी ट्रक मालिक के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। तो जनरली दोस्तों देखा गया, कुछ जो ट्रक मालिक है, मैं उनसे बात किया था, हमारी खुद की भी बहुत सारी कंपनी है जिसमें मैं जॉब करता हूँ, वहां पे बहुत सारे ट्रक्स हैं जो कि परचेज किए गए हैं, पहले भी परचेज किए गए थे, अभी भी परचेज किए गए। तो यहाँ पे जो लोगों से मैंने बात किया है तो यहाँ पे एक ही चीज निकल के आया है कि अगर आप ट्रक लोन लेते हो तो सबसे अच्छा होता है सरकारी बैंक, चाहे आप SBI से लोन ले लो, PNB से लोन ले लो, या इससे जो बैंक है, सरकारी बैंक जो है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो कम दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो आपका इंटरेस्ट लगेगा ट्रक के ऊपर, जितने का आप फाइनेंस करवाओगे उसमें कम इंटरेस्ट लगेगा। इन लोगों का इंटरेस्ट रेट ज्यादा करके 7.5-8.5 के राउंड में होता है सरकारी बैंकों का खास करके। बट इनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि सरकारी बैंक जो है कि जल्दी किसी को लोन नहीं देते हैं। और दूसरा नंबर, इनके पास जो गारंटर्स का जो तरीका है, जहां पे कि ट्रक को लोन के लिए कहीं ना कहीं गारंटर का जरूरत होता है, वो भी बहुत ज्यादा पेचीदा होता है। तो सरकारी बैंक तो लोन आपको दे देगी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा उसके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जितना सारा आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, बाकी जो चीजें मांगी जाएगी। और इसके साथ ही साथ सरकारी बैंक से आपको ट्रक लोन लेने के लिए आपका सिविल जो स्कोर होता है वो अच्छा होना चाहिए, वो देखा गया कि 750-790 से ऊपर होना चाहिए सरकारी बैंक से अगर आपको ट्रक लोन पे लेना होता है तो। इसके साथ ही सरकारी बैंक जो है ज्यादा करके जो नए ट्रक लेने के लिए जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम ट्रक खरीदने के लिए जाते हैं, उनको ज्यादा लोन जो वहां से नहीं मिल पाता, वो तकरीबन आपको 80% के राउंड में लोन मिल पाता है।
कुछ केसेस तो ऐसे भी है जहाँ पे कि 70-80% तक में लोन किया जाता है सरकारी बैंक से, बट वहां पे आपसे साथ एक चीज है कि वहां पे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा और साथ में जो वहां के बंदे होते हैं थोड़ा कोऑपरेटिव होते हैं, जो आपसे इंटरेस्ट तय किया जाता है वो वही रहता है। अब वहीं पे हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंकों के साथ ये देखा गया है कि प्राइवेट बैंक से अगर कोई बंदा लोन लेता है तो वहां पे इंटरेस्ट रेट जो है वो सरकारी बैंक से थोड़ा ज्यादा होता है, बट उनके इंटरेस्ट रेट कभी भी चेंज हो सकते हैं और उनके जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं लोन लेते समय आपसे पूरे टर्म एंड कंडीशंस पे बात नहीं किया जाता है, तो वो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है। बट यहाँ पे अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल जो है सरकारी बैंक से थोड़ा सा कम भी होता है तो भी यहाँ पे लोन मिल जाता है, मतलब कि अगर आपका जो सिविल है वो तकरीबन 720 से 790 के बीच में भी रहेगा तो आपको यहाँ पे आराम से लोन मिल जाता है प्राइवेट बैंक से, जैसे हो गया HDFC, एक्सिस। अब बात करते हैं NBFC जो कि फाइनेंसर होते हैं, दूसरे फाइनेंसर होते हैं जो कि बैंक के कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये लोग जो है आपको आसानी से लोन दे देंगे, थोड़ा सा भी अगर आपका खराब स्कोर रहा भी तो भी आपको लोन दे देंगे, बस उस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा हो जाता है, और जो इस तरह के NBFC वगैरह होते हैं इनका इंटरेस्ट रेट 10% से लेकर के 26% तक जाता है, किसी किसी का तो 32% भी गया हुआ है। तो यहाँ पे आपको तय करना है कि आपको अगर ट्रक के लिए लोन लेना है तो किससे लोन लेना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे डाउन पेमेंट कितना आएगा, कितना आपको लोन मिलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकारी बैंक से अगर आप लेते हो तो वहां पे 70-80% तक का लोन आपको मिल जाता है। अगर रिलेशन आपका अच्छा है, अगर आपने पहले भी सरकारी बैंक से लोन लिया है और दूसरे टाइम आप जाकर के लोन लेते हो या तीसरे टाइम लोन लेते हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ज्यादा परसेंटेज जो है लोन दे दिया जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं प्राइवेट बैंक जो होते हैं, जैसे कि HDFC एक्सिस की जो मैं बात कर रहा था अभी, यहाँ पे आपको जो लोन है वो आपको 80-90% के राउंड में मिल जाता है, बट यहाँ पे भी आपकी बात आती है कि जो गारंटर्स होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और साथ में जो आपका सिविल स्कोर है वो भी अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपका लोन उतना ज्यादा हो सकता है। अब वहीं पे बात करते हैं हम NBFC वगैरह का, तो यहाँ पे लोन आपको यहाँ पे भी आपको जो है 85-90-92% तक का लोन मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज आपके साथ आती है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट जो ज्यादा देना पड़ता है वो आपको देना पड़ेगा, प्लस जो डॉक्यूमेंट्स के अलग से खर्चे होते हैं वो आपको यहाँ पे अलग से बियर करना पड़ता है जो NBFC वगैरह होते हैं। बट यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा, जितने भी लोगों से मैंने आज तक इंटरव्यू लिया है या फिर जितने भी लोगों से मैंने बात किया है, सबका कहना एक ही है कि आप ट्राई कीजिए अपने ट्रकों के लोन जो है आपके बैंक से हो वो सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है। अब बात आती है कि दोस्तों बहुत सारी जगहों पे आप देखते होंगे कि जीरो डाउन पेमेंट पे ट्रकों का लोन कैसे होता है, तो आज के डेट में मैं बात करूं तो जो जीरो डाउन पेमेंट पे ट्रकों की लोन की जो कहानी है वो लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि पिछले टाइम में इतने सारे फ्रॉड्स हुए हैं ट्रक सेक्टर में कि बैंक हो या NBFC हो या फिर सरकारी या प्राइवेट बैंक हो, ज्यादा करके विश्वास किसी भी ट्रक मालिक के ऊपर नहीं करते हैं। बट अगर आपके पास कंपनी है, अगर आप कंपनी को चलाते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपको जीरो डाउन पेमेंट पे ट्रक लोन पे मिल जाए। बट यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि आपने अच्छा खासा ट्रक पहले उस फाइनेंसर के पास से, उस बैंक से ले रखा है, उसका लोन आपने टाइमली पेमेंट कर रखा है, इस कंडीशन में आपको वहां पे जीरो डाउन पेमेंट पे ट्रक जो है लोन पे मिल जाता है। जनरली बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो कि किसी तरह का ना तो कोई बिजनेस करते हैं ना कोई जॉब करते हैं, तो उनको किस तरह से लोन मिलता है, ये भी एक कहानी आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहीं जॉब नहीं करते, उनके पास कोई ना तो सैलरी स्लिप है ना तो बैंक डिटेल्स है उसका और ना ही उनका कोई बिजनेस है। तो इस कंडीशन में दोस्तों ज्यादा करके ऐसे लोगों को जो लोन है वो प्रॉपर्टी या लैंड के अगेंस्ट में दिया जाता है, और इस कंडीशन में अगर किसी बैंक के थ्रू या NBFC के थ्रू आप लोन अप्लाई करते हो तो वहां पे सबसे पहले आपका जो लैंड है या फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका वेरिफिकेशन होता है, और आपके लैंड या आपका जो प्रॉपर्टी है, घर वगैरह अगर कोई है, तो उसका जो भी वैल्यू निकलेगा उसका लगभग आपको 70%, ध्यान रखिए जितना भी आपका वैल्यू निकलेगा उसका आपको 70% तक का लोन मिल जाएगा।
तो ये है दोस्तों तरीका आपको लोन अप्लाई करने का, लोन लेने का। अब बात करते हैं जो सैलरीड पर्सन है, अगर कोई जॉब कर रहा है, जैसे कि मैं अगर जॉब कर रहा हूं, मुझे ट्रक लेने के लिए लोन लेना है, तो मुझे कितना लोन मिल सकता है, इसका एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होता है दोस्तों, और उसमें बोला जाता है कि आप 24 या फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने सैलरी का। जितना अमाउंट आता है, जो वैल्यू आता है, उतने अमाउंट का आप लोन लेने के लिए कमर्शियल व्हीकल के लिए एलिजिबल हो और आपको उतना लोन मिल सकता है। ये एक जनरल एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है इस इंडस्ट्री में। अब दूसरी बात आती है कि अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसका कितना हो सकता है, तो दोस्तों उसका ज्यादा करके बैलेंस शीट के ऊपर, उसके प्रॉफिट के ऊपर, उसके कंपनी के एसेट्स के ऊपर उसको लोन दिया जाता है। बट कंपनी जिसका चल रहा है, जिसका कि अपना कहीं ना कहीं पीएनएल बनता है, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट बनता है, कहीं ना कहीं वो आईटीआर फाइल करता है, तो उसमें देखा गया कि जो उसका वैल्यू होता है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर मल्टीप्लाई बाय 3, ये दो कंडीशंस होते हैं किसी भी कंपनी के लिए अगर वो लोन के लिए अप्लाई करता है। तो ये है दोस्तों आपको लोन लेने का कोई तरीका। बट एक चीज ध्यान रखिए कि अगर कहीं भी आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपका सबसे पहला नंबर आपका जो सिविल है वो अच्छा होना चाहिए अगर आप पहली बार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। दूसरा नंबर एक गारंटर होना चाहिए अगर आप पहले बार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। बट जब आप एक बार आपने लोन लिया, फिर से आप कोई लोन लेते हो और आपका पहले का लोन का जो रीपेमेंट है वो अच्छा होता है, तो दूसरे बार थोड़ा सिविल खराब भी हो, दूसरा नंबर ये आपका जो गारंटर कोई नहीं भी हो, तो भी आपको वहां पे थोड़ा सा आसानी से लोन मिल जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा एक नया लोन लेने का तरीका नए गाड़ी के लिए। हम बात करेंगे अब दूसरा जो कि है सेकेंड हैंड गाड़ी, और तीसरा किस किस बैंक से क्या प्रोसेस है, वैसे मैं दो बैंक के बारे में डिटेल्स लेकर क्या आऊंगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अपने नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।